अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो फ्रेंड्स, टॉपिक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा कोई वेट लॉस जर्नी नहीं है, क्योंकि शादी से पहले मेरा वेट था 55 kg और फिर माशाल्लाह से शादी के बाद जब जी आपने जो है वेट लॉस करना है, बिल्कुल भी वेट नहीं बढ़ाना, तो बैठे नहीं रहना है। और तो ये आपका जो माइंड होता है उसी पर डिपेंड कर रहा होता है कि जो है ना आपने वेट को कैसे मेंटेन करना है। ये सब चीज़ें साथ साथ लाइफ में चलती रहती हैं और साथ साथ आपने इनके साथ ही लाइफ को लेकर चलना होता है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है शुरू से लेकर अब तक का, वो यही है कि आप जो है वो 4 महीने के लिए या 2 महीने के लिए अपने आप को टफ़ टाइम ना दें कि जो है बहुत ज़्यादा टफ एक्सरसाइज करें या बहुत ज़्यादा वॉक कर लें, या जी वो काढ़े जैसे होते हैं वो कह लें आप कावा सा जो है वो पी लें, और या फिर वो कलौंजी का पानी या ज़ीरे का पानी या इसका पानी उसका पानी, ये सब चीज़ें जो है ना वो आपका तबीयत को ख़राब ही करती हैं। बिल्कुल भी ये नहीं आप सोचें कि जी मैं सुबह सुबह निहार लूँ, बहुत सारा पानी जो गर्म पी लूँ, या फिर उसमें जो ये चीज़ें हैं वो सारी जो है एक चम्मच कभी कलौंजी डाल के पी लिया, या एक चम्मच आपने कोई भी दूसरा कलौंजी के साथ ज़ीरा हो गया या मेथी हो गया, मेथी दाना जो होता है वो हो गया, तो ये सब चीज़ें जो है निहार मुँह यानी खाली पेट जो है आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं देती, उल्टा आपको नुकसान देती हैं। तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें और एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएं जिसमें आपने सुबह जो है उठते साथ वॉक कर लें या एक्सरसाइज करें। कुछ ऐसी बैली लूज़ करने की, बैली फैट को कम करने की एक्सरसाइज होती हैं जो आप ईजीली कर सकते हो, जिससे आपका वेट भी कम हो जाएगा और आप ग्रेजुअली वेट कम करेंगे। तो इस तरह से नहीं हो सकता आपका कि आप जो हैं वो 4 दिन उस डाइट प्लान को फॉलो करें और फिर वही ज़्यादा सारा ऑयली खाना, या कह लें जो है बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, या फिर शुगरी फूड जो होता है, यानी आपको कौन सी चीज़ें हैं जिनको अपनी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल तो आप नहीं सकते। मेरा ये मानना है कि चीज़ों को आप हमेशा के लिए नहीं निकाल सकते, आप उनकी क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। जैसे आप पूरा दिन में एक चम्मच चीनी वाला कोई भी अपना चाय बना लें, या दही खा लें, या लस्सी बना लें, ये कर लें। और बाकी ये है कि फ्रूट्स जो हैं, जो 3-4 मैंगोज़ एक साथ ना खाएं, आप एक मैंगो खा लें या इनकी एक मैंगो की स्मूदी बना लें और उसको भी आप यूज़ कर सकते हो अपना वेट मेंटेन करने के लिए। फिर साथ साथ आपका जैसे डाइट प्लान अगर आप कर लें उसको फॉलो अप करने के लिए, आपने क्या करना है कि सुबह नाश्ता जो है वो करने से पहले स्मूदी पी लें, तो वो 1-2 घंटे इतनी एनर्जेटिक स्मूदीज़ वगैरह होती हैं। जैसे आप एप्पल, बनाना और मैंगो और थोड़े से नट्स डाल लें और उसकी स्मूदी पी लें। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, 10 बजे जो है कोशिश होती है कि कोई स्मूदी बना लूँ। स्मूदी पीने के बाद फिर 12-1 बजे अगर आपको भूख लगे तो आप आधी रोटी के साथ अंडा फ्राई कर लें, या फिर सालन अगर आपके घर में कोई रात का है तो वो आप खा लो। फिर उसी के बाद 3-4 घंटे के बाद आप जो हैं वो सैलड जो है वो ज़रूरी है लाइफ में, आपने सैलड को ऐड लाजमी करना है। बहुत सारी आप प्याज, टमाटर, खीरा, गाजर और चुकंदर, ये सब चीज़ों का बहुत सारा बाउल भर के सैलड के साथ आप थोड़ा सा राइस बॉईल कर लें, थोड़ा सा दाल बॉईल कर लें, मतलब आप बॉईल फूड खा लें। आप स्टेक बना लें, चिकन का स्टेक बना कर खा लें, स्टीम चिकन खा लें, यानी कि आपने फ्राई चिकन ही खाना है। और ये आपने हफ्ते में 5-6 दिन जो है अपनी यही वाली रूटीन रखनी है। साथ साथ मैं तो अपनी वॉक और एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मेरी लाइफ मैंने ऐड कर रखी है। टाइम गुजरता जाता है, आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि जो है वाकई जो है आपके लिए हेल्थ इश्यूज ना बने उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना हेल्दी लाइफ ही कंटिन्यू करें। ऐसा नहीं है कि बस आप एक दिन कर लें और फिर बाकी दिन छोड़ दें। तो एक दिन ऐसे ही हम वॉक करने निकले हुए थे, तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि यार ये 20 ईयर्स हो गए हमें वॉक करते हुए, तो हम इसका क्या फ़ायदा हुआ है, मतलब हम वॉक तो कोशिश यही होती है कि हर रोज़ करें, लेकिन कभी एक आधा दिन ऐसा हो जाए जो मिस हो जाता है, कोई गेस्ट आ गया या कोई बीमार है बंदा या कोई सो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो इन्होंने मुझे सिर्फ यही एक वैलिड पॉइंट दिया जो काफ़ी जो था अच्छा भी था, 100% वैलिड। ये इसलिए हाथ से था
कि जो है ना, देखें आफ्टर 40 ना मुझे ना इन्हें कोई ब्लड प्रेशर या शुगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेसिकली हमने अपनी रूटीन में क्या है ऐड किया हुआ है कि हमने सुबह नाश्ते में सादा खुराक ले लेना है, जैसे ब्रेड अंडा ले लिया आपने, या सादी रोटी सालन भी ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपके घर ब्रेड अंडा नहीं है तो आप पतले नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप आधी रोटी के साथ सालन ले लें और साथ एक कप चाय या एक ग्लास लस्सी ले लें तो भी वो सूटेबल है। और दूसरा ये कि दोपहर में भी इसी तरह आपने लाइट फूड लेना है, और इसी तरह रात का खाना आपने 7-8 बजे तकरीबन खा लेना है, और उससे पहले अगर आप वॉक पे चले जाएं तो भी बेटर है, और अगर आप उसके बाद वॉक करें 15-20 मिनट का वॉक खाने के बाद, और जो है शाम को 5-6 बजे के दरमियान आपने जो असल ब्रिस्क वॉक करनी होती है वो सबसे ज़रूरी होती है, जिससे आपका वेट मेंटेन रहता है, वेट जो है बढ़ता नहीं है। तो वो आप तकरीबन 45 मिनट्स की लाजमी अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें, तो आपको एकदम से जो है भागना नहीं पड़ेगा, या एकदम से इस तरह की क्रैश डाइट नहीं करनी पड़ेगी कि वो 4 दिन। अब मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इंटरमिटेंट डाइट की है और कीटो डाइट की है, तो उनका एकदम यही हुआ है कि एकदम से उनका जितना सिस्टम कोलेप्स हो गया, कभी उनको शुगर का प्रॉब्लम हो गया और पूरे पूरे हफ्ते हॉस्पिटलाइज रही, ड्रिप्स लग रही हैं, कितना शुगर लेवल डाउन हो गया है, किसी को अल्सर हो गया खाली पेट रह रहकर, क्योंकि इंटरमिटेंट डाइट क्या है कि आपने रात 6-7 बजे खाना खाना है और फिर 16 या 18 घंटे का गैप करके अगले दिन खाना खाना है। तो कुछ लोगों ने ये भी प्लान किया कि जी शाम को 4 बजे खाना खा लिया और फिर अगले दिन सुबह 7-8 बजे खाया, तो इतना लंबा गैप अगर आप देंगे तो वो भी आपके लिए गलत है। पहले आप 10 घंटे का गैप देकर अपनी बॉडी को इस चीज़ के लिए तो मेंटेन करें ना कि हाँ जी जो है वो मैंने वेट लूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम 18 घंटे का गैप दे लें तो आपकी बॉडी इसके लिए तैयार भी ना हो और फिर आपको और प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा फेस करनी पड़ जाएँ और वो डाइट तो कहीं बीच में ही रह जाए आपकी। इसी तरह अगर आपने ये सोचा कि जी सुबह निहार मुँह जो है कुछ खाने पीने से जो है बहुत फ़ायदा हो जाएगा, ख़ास तौर पर कुछ मैंने लेडीज़ को देखा है वो मेथी दाना जो है वो पानी में बॉईल करके और वो पी लिया कि नहीं जी ये जो है ना ये मेरा वेट लॉस करेगा, उसके बाद पराठा अंडा और खूब सारा वो नान चने मंगवा के खा लिया, तो वो जो है वो भी गलत है आपके लिए। आपने कभी भी निहार मुंह या खाली पेट या एम्प्टी स्टमक के साथ कोई भी ऐसी गिज़ा नहीं लेनी, कोई भी ऐसी ड्रिंक नहीं लेनी जो आपको पूरा दिन जो है बीमार ही रखे, बीपी आपका लो हो जाए और आप घर के कामों के लिए एनर्जेटिक ही ना रहें। तो उससे बेहतर है कि आप स्मूदीज़ पर चले जाओ, आप 3-4 फ्रूट्स की कोई भी स्मूदी बनाओ और उसको पी लो, और उसके बाद आप जो है वो नाश्ता स्किप करने के बजाय आप एक ब्रेड का पीस ले लें, आधा ब्रेड का पीस एग बॉयल एग के साथ ले लें। तो मैंने भी बहुत सारी वो देख रही थी वेट लॉस जर्नी काफ़ी सारी लेडीज़ का, तो मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी आपसे वेट लॉस जर्नी शेयर करूं, तो मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ढूंढी पर मेरा किसी में भी कोई ऐसा वेट नहीं था कि वो 100 या 120 kgs तक चला गया हो और फिर उसके बाद मैंने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके कम किया हो, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बहुत भी हुआ तो 75 तक वेट गया है, और अदरवाइज़ मेरा 65-67 जो है उतना ही वेट रहता है। तो ये जो है इसलिए जो है ज़रूरी है कि हमने अपनी लाइफ में हमेशा हमेशा वॉक को ऐड रखा। इसके अलावा एक्सरसाइजेस वो भी बहुत बेस्ट रहती हैं, आपकी जो पुशअप्स होते हैं, क्लिंग जैक्स होते हैं, जंपिंग जैक्स, और वो काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज मैं देखती रहती हूँ जो आपके बेली फैट के लिए बहुत ज़बरदस्त होती हैं। आप उनको भी जो है थोड़ा बहुत 2-4 एक्सरसाइजेज को देख लें और उनको एक एक्सरसाइज 10 मरतबा दिन में कर लें, सुबह खाली पेट कर लें। तो खाली पेट एक्सरसाइजेज बेस्ट हैं, खाली पेट कोई कावे या कोई गर्म चीज़ पीना अपने आप को नुकसान पहुँचाना है, तो प्लीज़ उन चीज़ों को अवॉइड करें। तो मैंने बहुत सारे हस्बैंड्स को भी देखा है कि वो अपनी बेगमात का बहुत ख्याल रखते हैं, मैंने कह रही कि ख्याल नहीं रखते हैं, लेकिन एक चीज़ के बारे में वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं होते, ना खुद होते हैं और ना अपनी बेगमात को करते हैं। मेरी अपनी जो सिस्टर्स हैं वो भी माशाल्लाह से काफ़ी हेल्दी हेल्दी हैं, तो उनके हस्बैंड भी ये कहते हैं नहीं नहीं बस तुम ठीक हो, कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को थकाओ नहीं, ये नहीं करो। तो मेरा थोड़ा सा ये इशू है कि
मुझे ये ऐसा लगता है कि अगर आपका हस्बैंड ही नहीं इंटरेस्टेड है इस चीज़ के लिए कि हाँ जी मेरी बेगम अच्छी लगे, पतली लगे, स्लिम एंड स्मार्ट लगे, तो शायद जो है लेडीज़ भी कहती हैं बस अब बच्चे हो गए, शादी हो गई तो बस ठीक है। तो प्लीज़ इस तरह की सोच को बदलें, और माशाल्लाह अल्लाह ने आपको अगर बेटा दिया है या बेटी दी है तो उसकी खुशी में इतना अपने आप को मत हेल्दी बना लें कि उसको लेकर आप बाहर भी ना जा सकें, ना आप उसके साथ टाइम इन्जॉय कर सकें। तो वो टाइम इन्जॉय ऐसे ही होगा जब आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगी, अपना वेट का ख्याल रखेंगी, अपना वेट इतना नहीं बढ़ाएंगी कि आपके घुटने ही आपका जो है वेट ना सह पाए। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना वेट मेंटेन करने के लिए अपनी ऐसी डाइट रखें जिसमें आप ऑयल, नमक, चीनी और इस तरह के स्पाइसी फूड वो अवॉइड करें। और अगर आपको जंक फूड खाना है तो आप संडे में, संडे का दिन होता है एक दिन जिसमें आप चीट डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करें आप अपना संडे के दिन, और वो भी आप प्लीज़ रात को नहीं खाएं। रात को खाना जो है वो ऐसा ही है कि जैसे आपने रात को खाना खा लिया और फिर साथ मूवी देखते देखते आपने ऑर्डर कर दिया चीज़, और फिर आपने उसको जो है खाते ही आप लेट गए कि नहीं अब 1 बज गया, रात का 2 बज गया, चलो जी अब मैं तो अब सोने लगी हूँ। तो ये वाले जो है स्टाइल, लाइफ स्टाइल हैं वो गलत हैं हमारे। आपका दिल चाह रहा है, आपने अगर, मेरा अब ये है हस्बैंड का और मेरा ये है, आई थिंक कि 20 साल में हमने हमेशा एक बर्गर या एक रैप जो है वो ऑर्डर किया है, एक आइसक्रीम खाते हैं हम दोनों हाफ हाफ, मतलब ये कि हम अपनी कैलोरीज को शेयर करते रहते हैं। ये नहीं कि जो है वो कंजूसी करते हैं, बल्कि अच्छी बात है, इस चीज़ में कंजूसी अच्छी है, आप अपनी सेहत के लिए कॉन्शियस हों ये अच्छी बात है, ये कोई कंजूसी नहीं है। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला जो हैं वो भी जो है उस बंदे की, कहते हैं ना, हालत नहीं सुधार सकते जब तक कि इंसान खुद अपने साथ सिंसियर नहीं हो। तो प्लीज़ अपने साथ सिंसियर रहिए और साथ साथ पॉजिटिव सोचें। अगर कोई आपके साथ नेगेटिविटी कर रहा है तो आप अपना बस अपने काम से काम रखें, एक टाइम आएगा कि वो बंदा खुद ही थक जाएगा नेगेटिविटी करते करते, और वो फिर आपको इस चीज़ के लिए खुश भी होगा कि ये बंदा बिल्कुल नॉट रिस्पॉन्डिंग है। तो कुछ चीज़ों में नॉट रिस्पॉन्डिंग रहना बहुत अच्छी आदत होती है कि आप जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग रहेंगे तो कोई आपको बार बार चिढ़ाएगा नहीं। सारी बात ये कि कोई आपको चिढ़ाना चाहता है और वो आपको किसी भी हवाले से मतलब इससे कुछ मामलात में जैसे फैमिली पॉलिटिक्स में यही होता है, इससे बात करूँगा तो वो जल जाएगा, उससे बात करूँगा तो वो जल जाएगा। तो ये जलाने तपाने का सिलसिला जो है इसको लाइफ से निकाल दें और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें, और जितना हो सके अपने घर, अपने बच्चों पर ध्यान दें, दूसरों के घर के में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है उन सब चीज़ों को अवॉइड करें, अपने आप पर कंसंट्रेट करें कि आप अपने साथ कितने सिंसियर हैं। तो हमारा अक्सर ऐसा ही होता है कि वीकेंड पर जैसे सबका प्लान बन जाता है कि जी बाहर खाना खा लेते हैं, तो हम भी कभी ऐसा हो जाता है कि हम भी चले जाते हैं रात को 11 बजे या 10 बजे बाहर खाना, 10-11 बजे हमने बाहर जाना, चलें जी खाना खाते हैं। खाना खा लिया तो अक्सर यही करते हैं हम लोग कि हम सेक्टर B जो है, मतलब हमारे घर से समझ लें कि 1-2 मील का फासला है सेक्टर B और C के अंदर, तो हम क्या करते हैं कि बच्चों को गाड़ी लेकर कहते हैं चलो आप चले जाओ, और हम जो है वहाँ पर रुक जाते हैं और फिर वहाँ से वॉक करते हुए वापस आ जाते हैं। तो हम इस तरह से जो है कोशिश करते हैं कि हमने अगर खा लिया है, लेट नाइट खा लिया है, तो हम उसको इस तरह से डाइजेस्ट करें और फिर लेटें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि इधर आप खाना खाते हैं उधर आप लेट जाते हो, तो स्टमक जब अपना वर्क शुरू करता है तो आपको एकदम से गंदी गंदी डकारें आने लग जाती हैं, आप बार बार उठ के बैठ रहे होते हो, आपका दिल घबराने लग जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक जो आपका स्टमक है वो डाइजेस्ट कर रहा होता है, आपके ब्लड में आपका फूड जो होता है वो शामिल हो रहा होता है, तो एक प्रोसेस अंदर चल रहा होता है। अब आप उसको एक्टिवेट या और तेज़ किस तरह कर सकते हो, वॉक करके उसको एक्टिवेट कर सकते हो कि जल्दी जल्दी से स्टमक अपना काम कर ले, 15 मिनट की आप आराम से वॉक कर लें तो आप इजीली आके फिर बैठें, थोड़ा सा कुछ टीवी में देख लें, अपना नमाज पढ़ लें, इस तरह से आप कर लें और फिर आप सो जाएं। तो खाना खाने से 2-3 घंटे बाद अगर आप सोएंगे तो आप अपनी हेल्थ को देख सकेंगे कि देखिए आप में कितना चेंज आएगा, आपकी तबीयत में कितना चेंज आएगा, और अगर आप खाना खाते ही लेट जाएंगे आप खुद से ऑब्जर्व कर लीजिएगा इस बात को, अगर आपको लग रहा है कि मैं ठीक नहीं कह रही हूँ तो आप एक बार अपने आप को खुद ऑब्जर्व कर लें।
तो मैं अपनी बहनों को यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग माशाल्लाह स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, तो प्लीज़ अपने लिए जो है कॉन्शियस भी हों, अपनी सेहत के लिए भी कॉन्शियस हों। और जो है कुछ जैसे मैंने देखा है कि बहुत सी लेडीज़ कहती हैं कि हम तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो प्लीज़ प्रॉपर टाइम में चीज़ों को करें। इन प्रॉपर टाइम में करेंगी तो आप बस करती रह जाएंगी, आप पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपना खाना रात से 8 बजे से पहले खा लें, सुबह जो है भूखी ना रहें बहुत देर तक। जो है हम कहते हैं चलो जी हम बहुत देर भूखे रहेंगे तो हमारा जो है सारा फैट्स बर्न हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप रात से लेकर सुबह जैसे 8-9 बजे तक, तो कम से कम 10-12 घंटे बन जाते हैं, तो आप बहुत देर तक जब आपका पेट खाली होता है तो फिर आपको उसको जो है लाजमी सुबह अच्छा सा नाश्ता करें। और दोपहर का खाना स्किप कर दें और उसकी जगह पोरिजेज ले आएँ अपनी लाइफ में, और उसमें बहुत सारा सैलड डाल दें या फ्रूट सैलड मिक्स कर दें, फ्रूट और वेजिटेबल सैलड्स खा लें। और रात का खाना बस 8 बजे खाएं, इससे बाद आपने खाना नहीं खाना। और अगर बहुत दिल चाह रहा है कुछ खाने का तो एक गिलास दूध पी लें, ये सबसे बेस्ट। और दूसरा ये कि आप अपना जितना भी फैट्स है वो साथ साथ बर्न करते जाएं, ऐसे नहीं कि आप 6 महीने बिल्कुल आराम से बैठी रहें कि चलो कोई नहीं मेरी तबीयत ख़राब है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं चलता है चलता है। ये जो इग्नोरेंस है यही आपको बाद में प्रॉब्लम करती है। जो आपने 6 महीने में फैट बर्न किया होता है वो आप चाहती हैं 1 हफ्ते में बर्न हो जाएगा, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। ग्रेजुअली जैसे अब आप इसी से समझ लें, कह लें कि आप घर जैसे रोज़ साफ़ करने से कितना गंद निकलता है, थोड़ा बहुत निकलता है, और अगर आप 10 दिन घर की सफाई नहीं करेंगी तो कितना ज़्यादा गंद हो जाएगा, ऐसे ही है ना। तो यही हाल आपके बॉडी के अंदर भी है कि जितना आप उसमें फ़ैट्स को डिटॉक्स नहीं करेंगी, फ़ैट्स को बर्न नहीं करेंगी, तो वो जमा होता जाएगा और फिर उसको निकालना उतना ही मुश्किल होगा। तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ 40 से 45 मिनट की वॉक, इसका ये है कि डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि 20वें मिनट पर आपकी जो फैट्स है वो बर्न होना शुरू होती है, चर्बी पिघलना शुरू होती है। तो हम क्या करते हैं 15 मिनट वॉक कर ली, मैंने बहुत वॉक कर ली, मेरा सांस फूल गया, मैं थक गई, तो वो तो आपका फैट्स जहाँ पर था वहीं रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो कम से कम 45 मिनट की 50 मिनट की वॉक, मतलब 40 से ऊपर ही वॉक करें, 40 से नीचे मिनट्स में वॉक जो है आपके लिए बिल्कुल बेकार है, वो आप ना ही करें तो बेहतर है। और अच्छा जी, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह ताला। सब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।